Good morning everyone. So here we are discussing chemistry from Lucent book, and today's our topic of discussion would be behavior of gases. This is lecture number 10. So let's start. These are my credentials. Behavior of gases. तो देखियो बिहेवियर ऑफ गैसेस में हमें क्या पढ़ना है, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है. अभी तक हमने पढ़ा था कि मैटर इज डिवाइडेड और मैटर कैन बी इन द थ्री फॉर्म्स, राइट. जो बेसिक फॉर्म थी वो कौन कौन सी थी, सॉलिड था, लिक्विड था एंड गैस था, राइट. तो गैस जो होती है ना, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होती है मैटर की. हमारे आस पास भी वातावरण जो एटमोसफेयर है उसमें कितनी गैसेज हैं, लाइक वी आर इमर्स्ड इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, है ना. हम एक जैसे ओशन होता है ना, उसी टाइप में हम ओशन ऑफ गैसेस, हम ओशन ऑफ गैसेस में रहते हैं. यानी बहुत सारी हमारे आसपास क्या है, गैसेस प्रेजेंट है. ऑक्सीजन हो गई, डाइनाइट्रोजन हो गई, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गई, ये क्या है, सारी गैसेस हैं. तो देखो इसके बिहेव को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने गैसेस प्रेजेंट हैं. तो जब हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस कितनी है, उसमें 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस की फॉर्म में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ टेबल. देखो यहाँ देख सकते हो आप, जैसे ये है ग्रुप वन, यहाँ पर जो ग्रुप वन है उसमें कितनी है, हाइड्रोजन है उसमें, ठीक है. यहाँ पर ये सारी गैसेस है, ये नोबल गैसेस बोलते हैं इनको. जो 18th ग्रुप में है ना वो नोबल गैसेस कहलाती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहती है, राइट. इनका ऑक्टेट पूरा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, राइट. और यहाँ जो 17th में है कौन कौन सी है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. यहाँ 16th ग्रुप में ऑक्सीजन है, 15th में नाइट्रोजन है, ये गैसेज है, राइट. तो कितने हो गए टोटल, 11 गैसेस हो गई, 11 एलिमेंट है जो कि गैस की फॉर्म में रहते हैं. तो हमें याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेस के फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट. तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल से मैं ये उठाया है मैंने NCERT से. तो यहाँ पर ये गैसेस आपको दिख रही है, सारी गैसेस हैं. अब गैसेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं. जो गैसेस होती है बेसिकली हाईली कंप्रेसिबल, यानी हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, राइट. उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, और जो प्रेशर होता है ना वो इन ऑल डायरेक्शंस में लगता है, राइट. हम कंप्रेसिबल का क्या मतलब, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, राइट. और उसकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में अगर देखें तो डेंसिटी ऑफ गैसेस वेरी लेस, उसकी डेंसिटी सबसे लेस होती है, लेस डेंस होती है गैसेस. एंड जो वॉल्यूम और जो वॉल्यूम होता है बेसिकली, वॉल्यूम देखो क्या होता है, जैसे एक कमरे में एक डिफाइंड क्लोज्ड एरिया में जो भी गैस होगी, जैसे एक बॉटल में गैस है तो हम कहेंगे वो बॉटल ही उसका वॉल्यूम हो गई उस गैस का, राइट. अगर वो कमरे में है गैस तो हम कहेंगे कि जो वो गैस है बेसिकली उस कमरे का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उस गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है. तो इसका जो बेसिकली वॉल्यूम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस आकार में ये रहती है, राइट, किसके अंदर ये है. अब यहाँ पर देखिए, पहला लॉ था बॉयल्स लॉ. इन्होंने, एक साइंटिस्ट हैं बॉयल्स, इन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए और द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस, किसी भी डेफिनेट मास का क्या मतलब है, जैसे कि इतने नंबर ऑफ गैस है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस प्रेजेंट है, राइट, 10 नंबर या 100 नंबर, तो उसको बोलते हैं मोल ऑफ गैसेस, ठीक है. तो डेफिनेट तो उसका नंबर होना चाहिए, तो उसका वॉल्यूम जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो वॉल्यूम कम होगा तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट. ये अधिक अगर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, राइट. समझ गए आप, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ जो मोल ऑफ गैसेस हैं वो भी क्या होने चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट में होने चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होने चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं कि हम कंपेयर कर रहे हैं 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन को और 100 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है. तो वो बॉयल्स लॉ में नहीं आएगा. बॉयल्स लॉ का सिंपल मीनिंग है कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, एक क्वांटिटी उसकी अगर निश्चित है तो एट इट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके पास एक फुल बलून है, फूला हुआ एक बलून है, और आपने उसको स्क्वीज किया, स्क्वीज मतलब आपने उसको दबाया, प्रेशराइज किया, ठीक है. तो प्रेशर उसका जैसे ही बढ़ेगा ना, अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट. उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसमें भी दिखाती हूँ. देखो यहाँ पर देखिए, ये दो
कोई बीकर्स हैं या जो भी हैं जहाँ पर पिस्टन अप्लाई किया है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रखा है, राइट। तो ये प्रेशर देखिए, यहाँ पर प्रेशर कितना है, वन प्रेशर है, राइट, वन पास्कल। इधर इसको और इंक्रीज किया है प्रेशर को, तो यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी इतने ही मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इधर ही है और इधर भी सेम मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है, ठीक है। टेम्परेचर इनका कॉन्स्टेंट रखा है, वॉल्यूम दिखाया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो जैसे ही प्रेशर मैं अप्लाई करूंगी तो ये क्या होगा, प्रेशर के बाद क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इधर ये प्रेशर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, जहाँ पर वन प्रेशर है, वन पास्कल, यहाँ पर एक गैसेस का वॉल्यूम आप देखिए कितना है, ठीक है, चार से ऊपर है। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, चार से कम हो गया, यानी 3.5 के आसपास इसका वॉल्यूम हो गया, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये बॉयल्स लॉ के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ आपको समझ आ गया, यहाँ प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है, एक चीज बढ़ेगी तो एक घटेगी, राइट। और इसका एग्जाम्पल एक और है, जैसे स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब नीचे से बहुत ज़्यादा ओशन के अंदर नीचे अगर डीप में चले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ तो प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही वो रैपिडली ऊपर आते हैं तो नीचे से ऊपर आने पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट। प्रेशर देखिए यहाँ पर, यहाँ प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम किसका, जो उसके अंदर बॉडी के अंदर गैसेस होती है, बबल्स होती है, वो एक्सपैंड होती है, और इस हद तक एक्सपैंड हो जाती है कई बार कि जो डाइवर्स होते हैं उनके ऑर्गन क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं और कभी कभी डेथ भी हो जाती है, राइट। और ऐसे ही जो डीप सी फिशेज होती हैं, उनको क्या है, वो दे आर डिजाइन टू रिमेन इन द ओशन, डीप वाटर, राइट। डीप सी जो फिशेज होती हैं वो नीचे रहती है पानी में, ओशन में, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही वो ऊपर आती है सरफेस पे, तो क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर, अब सरफेस पे ऊपर आई, ठीक है, पानी की सरफेस पे, तो वहाँ प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उनके जो बॉडी के अंदर जो वो होती है एयर बबल्स, सॉरी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, वो क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, और एक्सपैंड करते हैं तो इतने ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं कि बॉडी उनकी बस्ट हो जाती है, वो मर जाती है, राइट। तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको बॉयल्स लॉ अच्छे से समझ आ गया। अब वी विल गो टू द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बताया, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, वहाँ क्या था, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था, यहाँ पर प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। सो हेयर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर और एट ए डेफिनेटिव मास, राइट। एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए, यानी कि हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा वैसे ही टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे ही गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं, सेम गैस है, यहाँ पर टेम्परेचर हमने दिया। अब टेम्परेचर जो है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी T1 से यहाँ पर 30 डिग्री है या 100 डिग्री है, उस पर जो वॉल्यूम था वो V1 था, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, और इसके बाद हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, से 150 कर दिया हमने, यहाँ फ्लेम बढ़ रही है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही उनको हॉट टेम्परेचर मिलेगा उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, और दूर दूर फैल जाएंगे। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा गैस का। अब इसके एग्जाम्पल जो है चार्ल्स लॉ के, फॉर एग्जाम्पल, जब कोल्डर एनवायरनमेंट होता है या फिर कोल्ड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो हीलियम बलून्स और जो बॉल्स होती हैं वो क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे कोल्डर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन लंग कैपेसिटी भी होती है ना, वो कोल्डर वेदर में क्या हो जाती, कम हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि ठंड के अंदर जो ह्यूमन लंग्स होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी गिर गया, टेम्परेचर गिर गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उनकी कैपेसिटी जो होती है लंग्स की, वो कम हो जाती है। जॉगिंग और जो लोग जॉगिंग करते हैं, एथलीट जो होते हैं, बेसिकली फ्रीजिंग विंटर्स डे में उनको प्रॉब्लम होती है, राइट, क्योंकि उनके लंग्स बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करते, क्योंकि उनके जो लंग का वॉल्यूम है वो भी डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डाउन, राइट। अब आता है गैलीसॉक लॉ। गैलीसॉक ने क्या बताया, एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, अब यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, एंड प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन ए केल्विन, राइट। तो यहाँ पर क्या किया कि प्रेशर जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाता है, टेम्परेचर से, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। यहाँ पर जो बेसिकली इक्वेशन है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन के थ्रू ये सारे ये इन्होंने लॉस दिए, राइट। तो हमें जो मेन एक इक्वेशन है वो याद करनी पड़ेगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आर क्या है यहाँ पर, आर इज ए कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट है, एंड टी इज ए टेम्परेचर, राइट। तो गैलीसॉक ने बताया कि एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी एक पर्टिकुलर हमें गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम रखने हैं और उसका वॉल्यूम भी हमें कॉन्स्टेंट रखना है, राइट। और उसके बाद जो प्रेशर होगा गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ये कि प्रेशर बढ़ेगा तो टी वी बढ़ेगा, राइट, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया गैलीसॉक का लॉ। यहाँ देखिए लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दीवारों पर जो प्रेशर लग रहा है ना वो कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, जो वॉल ऑफ द वेसल है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा वो कुकर, जब हम गैस पे रखते हैं कुकर को तो कुकर में जो विसल जब लगती है तो इसका मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका अंदर हीट बढ़ती है तो वहाँ पर प्रेशर भी जनरेट होता है, राइट। पर गैलीसॉक का लॉ आपका समझ में आ गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आता है एवोगैड्रोस गैस लॉ, एवोगैड्रोस गैस लॉ में क्या बताया गया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब यहाँ पर प्रेशर को भी कॉन्स्टेंट कर दिया एंड टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा गैस का वॉल्यूम होगा। कैसे, जैसे सपोज मेरे पास 10 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा और 100,000 नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा, राइट। तो आप इसमें पता कर सकते हो 10 वाले का क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, जिसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, राइट, बट एट ए टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे तो वॉल्यूम क्या है पता ही नहीं चल पाएगा। 10 और 100 वाले को दोनों को आप टेम्परेचर बढ़ाकर देख लीजिए और उसके बाद आप वॉल्यूम, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकल पाएगा, राइट, समझ ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट रखना है, तभी जाके वॉल्यूम ऑफ गैस का जो नंबर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता चल गए, 100 का वॉल्यूम कितना होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 10 वाली गैस का, और ये 100 और 10 जो मैं बता रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं ये सबसे छोटा बलून है, इसके अंदर इसका वॉल्यूम देखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम मोल ऑफ यहाँ पर गैस है, सपोज से 10 लीटर्स है यहाँ पर, फिर 30 लीटर्स वाले का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, यहाँ 45 लीटर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, जो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आइडल गैस इक्वेशन, अब देखो यही इक्वेशन है पी वी, अब ये सारे लॉज इन्होंने दिए, बॉयल्स ने दिया, चार्ल्स ने लिया, एवोगैड्रो ने दिया, राइट, तो इन सब के लॉ के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन निकली जिसको हम कहते हैं आइडल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज कॉल्ड द आइडल गैस इक्वेशन, वेयर पी तो आपको पता है प्रेशर है, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट, जो गैस कॉन्स्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये याद रखना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, ये इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो आर है वो क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, बेसिकली यही आपको याद रखनी है बीच वाली, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम एंड टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। अगर देखो आपको ये इक्वेशन याद रहना तो आप बता सकते हो, देखो पी अगर देखो ये एन आर टी कॉन्स्टेंट करो सपोज, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, या फिर पी इज इक्वल टू 1/V हो जाएगा, ठीक है, जो हमने बॉयल्स लॉ में देखा था, तो इसी आधार पर देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं एवोगैड्रोस, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं सारे लॉज, राइट।
अब आता है एसटीपी एंड एनटीपी। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एसटीपी को हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी को लिखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एसटीपी फॉर वन मोल गैस इज इक्वल टू, अगर एक मोल गैस है एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वॉल्यूम कितना होता है उसका 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22,400 ml, ठीक है। 22,400 ml हो गया, और वैसे वॉल्यूम कितना होता है, वैसे सेम ही है, ये ml में है और ये लीटर में है, तो 22.4 होता है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना होता है, तो आप बताएंगे 22.4 लीटर होता है, राइट। एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, तो जब गैस की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, राइट, और प्रेशर कितना होता है 760 एमएम ऑफ एचजी, ठीक है, एमएम ऑफ मर्करी, ये इसका प्रेशर होता है, या फिर इसको वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी लिखते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी लिखते हैं, लेकिन 760 एमएम ऑफ एचजी ये ज़्यादा आता है एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पर एसटीपी आपको पता चल गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो गया 760 एमएम ऑफ एचजी, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 760 एमएम ऑफ एचजी, उसमें जो एक मोल गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना ये, और एमएल में 22,400 ml। अब आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी रिलेशन एंड विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या है, गैसेस का फैलना, राइट। अगर कोई गैस किसी, यहाँ देखो, एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इज हाई, वहां से वो कहां जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस, राइट। सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, और उसमें से एक आपने छोटी सी नली लगा के दूसरे कंटेनर से जोड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ से आपने कौन सी गैस डाली, इसके अंदर ऑक्सीजन डाली सपोज, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से धीरे 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 डिफ्यूज़ होती है और कहाँ जाती है, दूसरी बर्तन में जाने की कोशिश करेगी, बिकॉज यहाँ से जो टेम्परेचर है ना वो क्या, सॉरी, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यानी दूसरे कंटेनर में कम है। तो इसकी एक नेचर होती है गैस की डिफ्यूजन की, राइट। अब जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, यानी कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो जाते हैं कहाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये गैस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन गैस की इस कंटेनर में ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन गैस की इस कंटेनर में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टॉप कॉक अभी क्लोज्ड है, ये वाला बीच का चैम इन्होंने क्लोज कर रखा है, अब इसको ओपन करेंगे, राइट। तो इसकी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस कंटेनर में ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगी, राइट, और इधर फैल जाएगी, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, यहाँ जाएगी, और ये सारे में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। आफ्टर सम टाइम इनकी जो मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पर्टिकुलर कंटेनर में, इसी को हम कहते हैं गैस डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन इस कंटेनर से कहाँ गई, लोअर कंसंट्रेशन की तरह, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, हाइड्रोजन की यहाँ पर ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ गई, लोअर कंसंट्रेशन पे गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। एंड वॉट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, आपने देखा होगा जब आप परफ्यूम की बॉटल खोलते हो, तो एक परफ्यूम की जो बॉटल होती है पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर होती है, ठीक है, परफ्यूम अंदर होता है किसी कंटेनर में, राइट, ग्लास बॉटल में होता है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो वो सारी हवा में पूरे कमरे में फैल जाती है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कोई सिगरेट पी रहा होता है, राइट, सिगरेट स्मोक क्या होती है, पूरी एयर में डिफ्यूज हो जाती है, तो वही क्या है, एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजन का। होप ही आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने रखा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे R1 इज द वन टाइप ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर वन गैस, राइट, R1, ठीक है। R2 क्या हो गया, दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी किस रेट से वो डिफ्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल R1 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A
एंड आर टू इज द डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, राइट। तो वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी डेंसिटीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। इसी को हम कहते हैं ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एम टू अपॉन एम वन लिखा है, दैट मीन इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। जैसे आर वन है, सपोज आर वन कोई रेट, आर वन गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, और R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B, राइट। तो R1 जो होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना, राइट। जैसे R1 की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा दैट मीन उसकी डेंसिटी कम है, उसका मोलर मास भी कम है, तभी तो ज्यादा वो डिफ्यूज हुई, तभी तो ज्यादा वो फैली गैस, राइट। ऐसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये एम टू, सपोज एम ए और बी दो गैसेस हैं, ठीक है, उनका मोलर मास है m1 और m2 रेस्पेक्टिवली, राइट। ए का मोलर मास है m1, सपोज ये 10 है, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। अगर मोलर मास सपोज 20 है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घटती है, राइट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ r1 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ r2, व्हाई, बिकॉज r1 जो है बेसिकली उसकी डेंसिटी क्या है, ए गैस की डेंसिटी क्या है, कम है, और उसका मोलर मास भी कम है। लेकिन जो R2, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने नंबर टू में बोला है, यानी गैस फॉर गैस बी, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है और इसका मोलर मास भी ज्यादा है। तो इस इक्वेशन से देखो, हमें अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है, डेंसिटीज पता है, और एक गैस का हमें नंबर ऑफ मोलर मास पता है, तो दूसरी गैस का हम मोलर मास यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। अब आता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट स्टेट दैट If two or more gases which do not react chemically are closed in a vessel, the total pressure of the gases mixture is equal to the sum of the partial pressure that each gas which exert pressure when enclosed separately in the same vessel at a constant temperature. यहाँ पे बताया गया है कि अगर दो गैसेस जो आपस में रिएक्शन नहीं करती, आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करती, अगर उन दोनों को किसी एक एनक्लोज, किसी वेसल में क्लोज कर दिया जाए, तो उन दोनों का जो टोटल प्रेशर होगा बेसिकली वो क्या कहलाता है, उनका एक एक गैस का जोड़ दो सारा पर्टिकुलर, जैसे सपोज ए गैस है और बी गैस है, ए गैस का पार्शियल प्रेशर पी वन है और दूसरे बी वाले का पार्शियल प्रेशर कितना है, दो पी टू है, इन दोनों को जोड़ के हमें टोटल नंबर ऑफ प्रेशर पता चल जाएगा, राइट। लेट्स से हमने पी वन पी टू एंड पी थ्री पार्शियल प्रेशर वाली नॉन रिएक्टिव गैसेस को एक कंपार्टमेंट में क्लोज कर दिया है, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, पी इज इक्वल टू पी वन का प्रेशर प्लस पी टू का प्रेशर प्लस पी थ्री का प्रेशर, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है हमारे पास क्या है, ए और बी गैस हैं, इसमें जो प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस इसमें भी कितना है 4 है, राइट। ए गैस और बी गैस के लिए कितना है, 4-4 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर है। तो जो टोटल प्रेशर होगा, डाल्टन ने कहा था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा इनका, ए प्लस बी का प्रेशर, राइट, यानी 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनका कंबाइंड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी को कहते हैं डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों गैसें जो कंडीशन होगी वो नॉन रिएक्टिंग होगी, ए और बी केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए आपस में, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने ये भी लॉ पढ़ लिया है, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड, हमारा ये पार्शियल गैसेस बिहेवियर हमारा खत्म हो गया है। अब है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट, एंड प्लीज लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस वीडियो।